अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग, थर्ड एडिशन, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5, बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020, ऑक्सफोर्ड। टुडे वी सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 12, विच इज अबाउट द प्रॉब्लम विद प्लास्टिक, प्लास्टिक का मसला। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि उन्होंने इस यूनिट में क्या पढ़ा था, किसके अबाउट पढ़ा था, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर थी जो कि ज़ारा थी, उसने इसमें क्या रोल प्ले किया। सारा रिमाइंडर देने के बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। एक्सरसाइज सरगर्मियाँ, कम्प्रीहेंशन समझकर पढ़ना, जिसमें हमारे पास आंसर क्वेश्चन है ए टू जी है। इसके नोट्स रेडी किए गए हैं, इनके नोट्स को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, हम कोशिश करेंगे हम बच्चों से क्वेश्चन करें, वो इनका क्या आंसर देते हैं। इस तरह हमें आइडिया हो जाएगा कि बच्चों को इस यूनिट की कहां तक समझ आई है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों डस ज़ारा होल्ड रोक लेती थी हर अपनी ब्रीथ, सांस ड्यूरिंग के दौरान पार्ट ऑफ हर वॉक होम। ज़ारा घर तक पैदल मुसाफत के एक हिस्से के दौरान अपनी सांस क्यों रोकती है, क्यों रोकती थी। हम इसका आंसर देंगे बिकॉज, क्योंकि द बैड स्मेल वुड नॉट गेट इन टू हर नोस्टल्स। ठीक है, वो चाहती थी कि जो बदबूदार स्मेल है, ठीक है, इसके नथों में दाखिल ना हो, इसलिए वो क्या करती थी, अपनी सांस को रोक लेती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी हमारे पास है, व्हाट डज थिंक ग्रीन मीन्स, माहौल दोस्त सोच अपनाने का क्या मतलब है। इसका क्या मतलब है, हम बच्चों से कोशिश करेंगे, बच्चों से ही हम क्वेश्चन पूछें वो इसका क्या आंसर देते हैं। इसका आंसर है थिंक ग्रीन मीन्स कि माहौल दोस्त सोच अपनाने का मतलब है टू यूज़, इस्तेमाल करें थिंग्स चीज़ों को एंड मेथड्स तरीकों को डैट आर फ्रेंडली टू द इन्वायरमेंट। कि माहौल दोस्त सोच अपनाने का मतलब है कि ऐसी चीज़ें, ठीक है, थिंग्स चीज़ें और मेथड्स तरीके इस्तेमाल किए जाएं जो माहौल दोस्त हों। ठीक है, इसका यह मतलब है। अगर आप मज़ीद बताना चाहें इसमें यह भी बता सकते हैं, एंड स्टॉप यूजिंग मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक डैट आर हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, मज़ीद डिटेल के साथ इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट क्या यूजफुल मुफीद थी सजेशंस तजावीज एंड आइडियाज़ ख्यालात डज ज़ाराज फ्रेंड्स हैव। कि ज़ारा के दोस्तों के पास कौन सी मुफीद तजावीज़ और ख्यालात हैं, तो कौन कौन से थे, इसका हम आंसर इस तरह देंगे, दे शुड कीप लर्निंग अबाउट ग्रीन प्रोजेक्ट्स। कि वो क्या करेंगे कि माहौल दोस्त मनसूबों के बारे में मज़ीद वो पढ़ेंगे, उसके बाद मज़ीद उनके बारे में सीखेंगे। रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करेंगे वो, यूज़ क्लॉथ बैग। ठीक है, कि वो क्या करेंगे, प्लास्टिक के बैग इस्तेमाल करेंगे। आप यूज़ क्लॉथ बैग भी कर सकते हैं, फॉर शॉपिंग ना भी करें तो यहाँ तक यूज़ क्लॉथ बैग भी ठीक होगा। ठीक है, आगे फिर आप कर सकते हैं एंड और आल्सो लुक आउट फॉर लोकल ग्रीन ग्रुप्स। और इसके साथ वो क्या करेंगे ने, माहौल दोस्त ग्रुपों की भी तलाश करनी चाहिए। ये सब उन्होंने क्या कहा था, ये सब हमें फॉलो करने चाहिए, ये उनके दोस्तों की सजेशंस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी हमारे पास है, विच स्टोरीज डेट ज़ारा रीड्स और वॉचिस ऑनलाइन आर गुड न्यूज़। ऑनलाइन ज़ारा जो कहानियाँ पढ़ती या देखती है, इनमें से कौन सी अच्छी खबर है। ठीक है, आप बेसिकली हमने अपनी यूनिट में दो पढ़ी थी, ठीक है, एक अमेरिका के अबाउट पढ़ी थी, एक हमने जो प्लास्टिक के बारे में पढ़ी थी। ठीक है, आप दोनों बता सकते हैं या दोनों में एक बता सकते हैं, मैंने दोनों राइट किए हैं, देख लेते हैं इनको। वन गुड न्यूज़, एक अच्छी खबर इज है अबाउट के बारे में, एन अमेजिंग इन्वेंशन, एक अच्छी खबर एक हैरान कुन ईजाद के बारे में है, डेट इज़ हेल्पिंग इन कैप्चरिंग प्लास्टिक इन द ओशन, जो समुंदर से प्लास्टिक पकड़ने में मदद दे रही है। ठीक है, एक तो ये अच्छी खबर थी, दूसरी हम देखते हैं, एन अदर गुड न्यूज़, और इसकी दूसरी जो अच्छी खबर थी इज़ है अबाउट के बारे में, पीपल इन साउथ अमेरिका, दूसरी अच्छी खबर जनूबी अमेरिका के लोगों के बारे में, हु जो ब्लॉक्ड आर रिवर एंड कलेक्टेड वेस्ट फ्राम इट, लोगों के बारे में है जिन्होंने एक दरिया का रास्ता बंद किया और इसे कूड़ा सारा निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई है हमारे पास, वाई, क्यों डज ज़ारा फील अनोइड एंड द अपसेट ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन विद हर फैमिली। कि अपने घर वालों के साथ बातचीत के दौरान ज़ारा चिड़चिड़ाहट और परेशानी क्यों महसूस करती है, बिकॉज, क्योंकि ज़ारास फैमिली डज नॉट पे अटेंशन टू व्हाट शी इज सेइंग। क्योंकि इसके घर वालों ने तवज्जो नहीं दी कि वो क्या कह रही है। ठीक है, इस वजह से वो क्या हो जाती है, परेशान हो जाती है। हम मज़ीद इसका और भी आंसर दे सकते हैं, दे एडवाइज्ड हर टू इग्नोर द प्रॉब्लम
उसे एडवाइस भी कर देना कि आप इस मसले को नज़रअंदाज करो, बिकॉज क्योंकि इट इज़ टू बिग फॉर हर टू हैंडल, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा उसके लिए, वो उसे हैंडल नहीं कर सकती। दिस मेक ज़ारा फील अनोइट एंड द अपसेट, ये वजह थी उसे वो चिड़चिड़ाहट महसूस करती है और परेशानी महसूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ हमारे पास है, व्हाट डज ज़ारा डू इन द कैफे डैट शोज शी इज स्टार्टिंग टू थिंक ग्रीन। ज़ारा कैफ़े में कौन सा ऐसा काम करती है, कौन सा ऐसा काम करती है जो जाहिर करता है कि इसने माहौल दोस्त सोच अपनाना शुरू कर दिया है। हम बच्चों से पूछेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इसका आंसर हमारे पास होगा, शी रिफ्यूज़ेस, वो मना कर देती है टू यूज़ इस्तेमाल करने से अ प्लास्टिक स्ट्रॉ विद हर ड्रिंक। ठीक है, कि वो क्या करती है, जो अपना ड्रिंक पीती है उसमें क्या करती है, वो जो प्लास्टिक का स्ट्रॉ दिया जाता है उसे इस्तेमाल करने से वो इनकार कर देती है। अगर आप इसे मज़ीद शॉर्ट करना चाहें तो आप इसका आंसर इस तरह कर सकते हैं, शी रिफ्यूज़ेस टू यूज़ अ प्लास्टिक स्ट्रॉ। ठीक है, यहाँ तक बस इसका। अगर बताना चाहिए विद हर ड्रिंक तो ये भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी हमारे पास है, व्हाट कैन हैपन टू वाटर दैट क्लोज नॉट फ्लो, कि अगर जो पानी बहता नहीं है इसके साथ क्या हो सकता है। पानी ना बहता, हमने कितना ज़्यादा पढ़ा था, तो हम कहेंगे इट बिकम्स डर्टी, सबसे पहले वो क्या हो जाएगा, गंदा हो जाता है। एंड स्टार्ट, और शुरू कर देता है टू स्मेल बैड, और बाद में क्या है, बदबू देने लग जाता है। सबसे पहले वो क्या होता है, बहता नहीं है पानी तो वो गंदा होता है, इसके बाद वो स्मेल देना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, बेसिकली जो हमारी ये टेक्स्ट से ही, जिसे हम सेको सबाक कहते हैं, उसके हवाले से आंसर क्वेश्चन देंगे। यहाँ पे हमारे पास देखें लाइन दी गई, लेट्स सी इफ आ ट्रिप थ्रू द बुक शॉप विल चीर अप यू, कि जो चले आप बुक शॉप पे जाते हैं क्या तुम्हें वो खुश करते हैं। इसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछे गए, इनके बारे में आंसर देने हैं। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, हु सेज दिस टू, ठीक है, ये कौन कहता है, किससे कहता है, तो हम कहेंगे ज़ारास मदर सेज, कि ज़ारा की मदर ये कहती है इट टू हर, और वो उसी से ही कहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द पर्सन हु इज़ बीइंग स्पोकन टू नॉट चीयरफुल, जिस पर से बात की जा रही है वो खुश क्यों नहीं है, तो हम कहेंगे ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इन हर एरिया, कि इसके इलाके में जो आलूदगी के मसले हैं उस वजह से वो खुश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थी हमारे पास है, व्हाई माइट अ विजिट टू अ बुक शॉप चीर हर अप, किताबों की दुकान की सैर इसे खुश क्यों कर सकती है, बिकॉज क्योंकि शी इज फाउंड ऑफ रीडिंग बुक्स, क्योंकि इसे किताबों का मुतालिया करने का शौक है। ठीक है, हम इसका आंसर देंगे बिकॉज शी इज फाउंड ऑफ रीडिंग बुक्स। अगर मजीद आप आंसर देना चाहें तो ये भी कह सकते हैं, सो अ विजिट टू अ बुक शॉप माइट चीर अप हर, ठीक है, चीर हर अप, कि उसे इसकी दुकान की सैर करना उसे क्या हो सकता है, उसे खुश कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्किंग विद वर्ब्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है चेंज द फॉलोइंग वर्ब्स टू नाउंस बाय एडिंग द कॉन्टेक्स्ट सफिक्स और ईआर। ठीक है, यहाँ पे हम ईआर लगाएं या फिर ओआर लगाएं, लुक अप एनी वर्ड्स डू यू नो। ठीक है, अब हमने देखे, मैंने इनको इनके सामने सोल्व कर दिया, देखिए क्रिएट तो क्रिएटर, इसके साथ ओ आ रहा है। ठीक है, क्रिएट क्रिएटर, प्रोटेक्ट प्रोटेक्टर, इंस्पेक्ट इंस्पेक्टर, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टर, डिटेक्ट डिटेक्टर, इन सब को क्या कर दिएगा, सोल्व कर दिएगा। आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है यूज़ द फर्स्ट फाइव वर्ड्स एज यू हैव। ठीक है, आप कहा जा रहा है इसमें फर्स्ट फाइव वर्ड्स इस्तेमाल करें, या कोई भी आप इसमें इस्तेमाल करते हो क्या कर सकते हैं, वर्ड सेंटेंसेस कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट ले और अंदर अंदर से लेकिन इनके ऊपर सेंटेंस मेकिंग की है, उनको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्रिएटर सबसे पहले था, हम कहेंगे अल्लाह अलमाइटी इज़ द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, अल्लाह ताला हर चीज़ को पैदा करने वाला है। नेक्स्ट है डिस्कवर, ठीक है, हम कहेंगे आई इट टुक हर सर्व्ड वीक्स टू डिस्कवर द सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेंट है, यहाँ पे मैंने एक्ट का भी लिखा है, अगर इन्वेंट का करना चाहें तो आप इसका भी कर सकते हैं, जिसे हम इन्वेंट या इन्वेंटर दोनों का कर सकते हैं। अगर हम इन्वेंटर का करेंगे तो हम ये कह सकते हैं के थॉमस, ठीक है, थॉमस एडिसन इज़ द इन्वेंटर ऑफ द लाइट बल्ब। थॉमस एडिसन ने क्या किया था, रोशनी के बल्ब को दरियाफ्त किया था। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट था इन्वेस्टर, ठीक है, इसका राइट किया गया। एक्ट का देख लें, ही न्यू ही हैड टू एक्ट क्विकली। यहाँ पे देखिए प्रोटेक्ट का लिखा गया है, ही हैड नो रेन कोट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। या तो आप ये सेंटेंस कर सकते हैं या फिर ये भी कर सकते हैं, आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम हिम। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेस्ट है, ही इन्वेस्टेड हिज सेविंग्स इन द बिजनेस। नेक्स्ट हमारे पास है एनालॉजी, जिसे हम तमसील भी कहते हैं। चूज मुंतखब कीजिए द पेयर जोड़ा ऑफ द वर्ड्स, लफ्ज़ों का, ठीक है, या अल्फाज का वो जोड़ा मुंतखब करें डेट बेस्ट एक्सप्रेस और रिलेशनशिप सिमिलर, जो पहले जोड़े से ताल्लुक मिलते जुलते हों टू डैट ऑफ द ओरिजिन
ओरिजिनल पेयर, ठीक है, जो क्या हो कि सबसे बेहतरीन अंदाज में वो जाहिर करता हो। देन राइट द एक्सप्लेनेशंस, द फर्स्ट वन हैज़ डन फॉर योर हेल्प, कि पहले को कह रहे हैं कि आपके लिए कर दिया। यहाँ पे देखिए हमें वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, इसे सोल्व कर दिया। इसी तरह हमें आगे दिया कि हमने इसे सोल्व किया है। अब हमने इसे देखें, हमारे पास यहाँ पे पेपर और ट्री का कहा गया, ठीक है, पेपर और ट्री का बनाया गया। तो हम ये देखें एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, मीट कम्स फ्रॉम एनिमल्स एंड पेपर कम्स फ्रॉम ट्रीज, ठीक है, ये हमारा सोल्व हो गया। इसी तरह आगे भी दिया गया है, तो हम कहेंगे एक्सप्लेनेशन की क्रिकेट इज अ टाइप ऑफ द स्पॉट एंड आई लाइन इज अ टाइप ऑफ द कैट, ठीक है, इस तरह हमें इसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, जबान के बारे में सीखना, ठीक है, यहाँ पे फ्रेज एंड क्लॉज के बारे में है, कलमात और जुजवी जुमले हैं। यहाँ पे सबसे पहले कहा गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज और अ क्लॉज, अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ये बेसिकली फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विदाउट अ फिनाइट वर्ब, जो कि क्या होता है, जो वर्ब होता है ना उसमें फिनाइट वर्ब नहीं होता, ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जैसे यहाँ पे देखें अप द स्टेयर्स, अ ब्रोकन डोर, ये सब बताएंगे। क्लॉज क्या होता है, अ क्लॉज हैज़ अ फिनाइट, ये क्या होता है, फिनाइट वर्ब नहीं होता, लेकिन क्लॉज में क्या होता है, फिनाइट वर्ब होता है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट बताया गया है कि इसमें आपने बताना फ्रेज कौन सा और क्लॉज कौन सा है। यहाँ पे देखिए मैंने अ फ्यू बनानास, ये फ्रेज है, जंपिंग फ्रॉम द ट्री, ये फ्रेज है, द एग विच वाज स्टोलन, यहाँ पे बेसिकली देखिए वर्ब इस्तेमाल किया गया, तो ये क्या होगा, क्लॉज होगा, तो इसी तरह जो कि क्या होगा, फिनाइट वर्ब होगा। और नेक्स्ट इस तरफ देखें, एस दे केम इन टू द रूम, ये क्लॉज होगा। फिर ऐसे नेक्स्ट वेटिंग टू सी फ्रेज है, एस टू स्टॉप टॉकिंग क्या है, क्लॉज है, ठीक है, इसी तरह फिर आगे क्लॉज और क्लॉज, ठीक है, इस तरह आगे लिख दिए गए। नेक्स्ट हमारे पास है कंजक्शंस, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है, उसे हमें हरूफ अत्फ भी कहते हैं। कंजक्शन जैसे कनेक्शन से निकला, ठीक है, किसी चीज़ को जोड़ देना। कंजक्शन क्या करता है, दो सेंटेंसेस को, टू वर्ड्स को, ठीक है, वो क्या करता है, आपस में जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंजक्शंस कहते हैं, ठीक है। इसी तरह बट एंड बिकॉज सो डैट और इट, इसी सारे वर्ड्स क्या होते हैं, कंजक्शंस कहलाते हैं। अब हमें कहा जा रहा है कि इसमें आपने इस्तेमाल करना सूटेबल कंजक्शंस इस्तेमाल करें और साथ में यहाँ पे प्रोनाउन इस्तेमाल करें, ठीक है। प्रोनाउन क्या होते हैं, जो कि हम नाउन की जगह इस्तेमाल कर सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन के ऊपर मेरे चैनल पे अलग से वीडियो अपलोड है, आप कैसे बच्चों का कॉन्सेप्ट इनके बारे में क्लियर करवा सकते हैं, मेरी वीडियो को जाके जरूर वॉच कीजिएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है वी वांटेड टू सी द फील्ड बट वी हैड नो मनी, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन फुल स्टॉप था वो खत्म होकर उसकी जगह बट आ जाएगा, और डब्ल्यू का जो फर्स्ट लेटर डब्ल्यू है वो स्मॉल आ जाएगा, ठीक है। वी वांटेड टू सी द फील्ड बट वी हैड नो मनी, द डॉग रन इन टू द रोड, ठीक है, यहाँ पे एंड आ जाएगा और आई स्मॉल आ जाएगा। इट वॉज रन ओवर बाय अ लॉरी, द गर्ल वॉज क्राइंग बिकॉज शी हैड हर्ट हर लेग, ठीक है, शी का एस स्मॉल आ जाएगा, यहाँ पे बिकॉज आ जाएगा, ठीक है, क्राइंग बिकॉज शी, नासिर हैड अ ब्रोकन टो एंड आएगा यहाँ पे, ठीक है, वॉज अनएबल टू प्ले इन द मैच। नेक्स्ट है ही, ठीक है, स्मॉल आएगा ये, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही स्मॉल आएगा, यहाँ पे सो आ जाएगा। ही स्टेड एट होम एंड रीड अ बुक, यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एंड आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है वी आर गोइंग टू द स्टोरी नाउ सो डैट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो डैट यू वॉन्ट हैव टू गो लेटर। My family is going on vacation and we are going to visit grand, ठीक है, यहाँ पे grandma, यहाँ पे क्या आ जाएगा, and आ जाएगा। Next, I tried the new dessert but I really didn't like the way it tasted. The computer is either broken or it needs to be turned on, यहाँ पे और आ जाएगा और उसके बाद कंप्यूटर की जगह हम जब देखें कंप्यूटर पहले इस्तेमाल हुआ है तो नेक्स्ट इसका प्रोनाउन इट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये नाउन है तो नेक्स्ट फिर नाउन नहीं, यहाँ पे हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, कंप्यूटर इज अ नाउन सो हम वी यूज हेयर इट। नेक्स्ट है अंकल बिलाल विजिट्स अस फ्रॉम लाहौर एंड ऑलवेज ब्रिंग अस अ लॉट ऑफ प्रेजेंट्स, यहाँ पे एंड आ जाएगा। मिस्टर शफी रीच्ड लेट टू हिज ऑफिस बिकॉज ही वॉज सेट इन टू अ ट्रैफिक कंजेस्टन्स फॉर आर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, बोलना और सुनना, लिसनिंग गेम, यहाँ पे क्या है, एक गेम है जो कि मिसिंग लेटर का है, तो क्या करेंगे बच्चे उसे सुनेंगे, स्पेलिंग स्कोर बताएंगे इसमें करेक्ट स्पेलिंग क्या है, ठीक है। एक हमारे लिए सॉल्व किया गया है जो कि रैबिट था। नेक्स्ट इनॉर्मस जो कि ओ यू आएगा, यहाँ पे ब्लैक है ए आ जाएगा, स्लोली ओ डब्ल्यू आ जाएगा, मंडे ओ एन, ठीक है, शॉर्ट ओ, एक्सट्रैक्ट रोम, लोटस, एलिफेंट, हार्ट, स्कैम्पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिशन, तहरीर,
What happened next? आगे क्या हुआ? Imagine, तसव्वुर कीजिए that Zara from the story. फर्ज कीजिए कि कहानी की जो Zara है continues trying to be more friendly to the environment. What does she do? कह रहे हैं कि फर्ज कीजिए कि कहानी की ज़ारा माहौल के लिए दोस्ताना रवैया अपनाने की मज़ीद कोशिश करती रहती है और वो क्या करती है, ठीक है. वर्क इन पेयर्स, आप क्या करेंगे, ग्रुप में काम करेंगे जोड़े बनाकर. टू राइट लिखेंगे एंड इंटरव्यू, एक इंटरव्यू लिखेंगे बिटवीन के दरमियान आर रिपोर्टर एंड ज़ारा. ज़ारा और एक रिपोर्टर के दरमियान इंटरव्यू लिखने के लिए जोड़े बना के काम कीजिए, ठीक है. द इंटरव्यूअर शुड आस्क क्वेश्चंस, जो इंटरव्यू करने वाला होगा वो हमेशा क्वेश्चन पूछेगा. अबाउट द अटेम्प्ट्स टू थिंक ग्रीन एंड एनी अदर थिंग्स दैट यू वांट टू फाइंड आउट अबाउट हर एनवायरमेंटल वर्क. क्या करेंगे, इंटरव्यू करने वाला क्या करेगा, माहौल दोस्त सोच अपनाने और इसके माहौल या काम के हवाले से कुछ भी आप इसमें जो चाहते हैं इस हवाले से सवाल पूछने चाहिए, ठीक है. यूज द डिटेल्स गिवन इन द टेक्स्ट एज वेल एज योर इमेजिनेशन टू डू दिस, ठीक है. आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी कहानी में दिए गए हैं आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप खुद भी अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकते हैं, उसे भी राइट कर सकते हैं. व्हेन जब यू हैव फिनिश्ड, जब आप काम ख़त्म कर लें. वर्क इन पेयर्स, जोड़े वाला जो बनाकर काम करेंगे वो, वन ऑफ यू इज़ द इंटरव्यूअर एंड द अदर इज़ इंटरव्यूज, ठीक है. ये मतलब एक इंटरव्यू देने वाला होगा दूसरा लेने वाला होगा, ठीक है. एंड रीड द क्वेश्चंस एंड आंसर्स यू हैव रिटन, और वो सवाल और जवाब पढ़िए जो आपने लिखे हैं, ठीक है. लास्ट क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कहूंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके. यहाँ पे देखिए रिपोर्टर वो क्वेश्चन क्या करेगा, हाउ डिड यू थिंक टू बी थिंक ग्रीन, ठीक है. इंटरव्यू लेने वाला क्या पूछ रहा है, रिपोर्टर आपने माहौल दो सोच अपनाने का आगाज कहाँ से किया, ठीक है, या कैसे किया. ज़ारा कहेगी आई रीड एन आर्टिकल अबाउट किड्स हु आर वर्किंग टू हैंडल द प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन इन देयर एरिया. वो क्या कहेगी कि मैंने चंद बच्चों के बारे में एक मज़मून पढ़ा जो अपने इलाके में प्लास्टिक की आलूदगी से निपटने के लिए काम कर रहे थे. रिपोर्टर ने कहा व्हाट मेजर्स हैव यू टेकन सो फार टू पुट योर थॉट्स इनटू एक्शन. अब रिपोर्टर ने क्या पूछा उसे कि अपनी सोच को अमली शक्ल देने के लिए आपने अब तक कौन से इकदाम किए हैं, ठीक है, उसने ये पूछा है. ज़ारा ने कहा आई डोंट यूज़, मैं इस्तेमाल नहीं करती प्लास्टिक कप्स, ग्लासेस, प्लेट्स, बैग्स और स्ट्रॉज, इन सब का बताती है कि मैं ये क्या करती हूँ, ये सब इस्तेमाल नहीं करती, ठीक है. नेक्स्ट रिपोर्टर ने उसे पूछा है व्हाट मोर डू यू प्लान टू डू सो डैट अदर्स मे आल्सो स्टार्ट टू थिंक ग्रीन. अब रिपोर्टर ने उसे कहा है कि आप और क्या करने का इरादा रखती हैं, व्हाट मोर टू डू प्लान टू डू सो, आप और क्या इरादा रखती हैं, डैट के अदर्स मे आल्सो स्टार्ट टू थिंक ग्रीन, ताकि दूसरे भी माहौल दोस्त सोच अपनाना शुरू करें. अब ज़ारा ने क्या कहा है, विद माई फ्रेंड्स हैव प्लान्ड टू राइट एंड प्रिंट स्मॉल पंपलेट्स एक्सप्लेनिंग हाउ कैन वी अडॉप्ट मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल. अब उसने क्या कहा है कि हमने क्या किया है कि अपने दोस्तों के साथ मैंने ये बताने वाले छोटे छोटे पंपलेट्स लिखे हैं, छापे हैं, काम मनसूबा बनाया ताकि हम एक ज़्यादा माहौल दोस्त तर्ज ज़िंदगी अपना सकें, ठीक है. नेक्स्ट फिर मैंने लिखा रिपोर्टर ने क्या कहा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, कि आपके वक्त के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया. ज़ारा ने कहा थैंक यू टू, आपका भी शुक्रिया. अगर आप मज़ीद क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, रिपोर्टर क्या कहता है, वाई आर यू फोसी, बच्चों को मतलब आप क्यों ऐसे करती हैं, फोकसिंग क्यों किया ज़्यादा सो मच ऑन प्लास्टिक, देयर आर द अदर थिंग्स डैट कॉज पोल्यूशन, का मतलब कि आपने प्लास्टिक पर ही ज़्यादा इतनी तवज्जो क्यों दी, जबकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आलूदगी का सबब बनती हैं. आप ये भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं जिसका ज़ारा क्या आंसर दे सकते हैं कि दैट इज़ ट्रू बट प्लास्टिक कंट्रीब्यूट्स अ मेजर प्रॉब्लम्स, ठीक है, ऑफ द पोल्यूशन दैट एंड इट इज़ अ रिलेटिव ईजियर टू कंट्रोल, और ये क्या है, इसे कंट्रोल करना ज़्यादा ईजी है. इस तरह के आप मज़ीद क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं. इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कम्प्लीट हुआ. मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मज़ीद आने वाली नोटिफिकेशन आपको वीडियोज़ के टाइम से मिल सकें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.